क्या आपका भी एयर कंडीशनिंग बिल बहुत ज़्यादा आता है? इतनी गर्मी में पसीने के साथ साथ आपकी जो है एसी के बिजली के बिल ने भी आपके पसीने निकाल दिए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसमें हमने वो जरूरी जरूरी टिप्स बताए हैं कि जिसको आप आजमा के जो है आप अपनी एसी का एयर कंडीशन का जो बिजली का बिल है वो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एसी खरीद के तो ले आते हैं लेकिन हमको उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है एसी का जो है बिल ज़्यादा आ जाता है, या फिर खरीदते समय हमको अपने रूम के साइज़ के या हमारा अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नहीं खरीदते हैं, जिसकी जैसे हमारा एसी का बिल ज़्यादा आता है और हम सोचते हैं कि भाई हमारे एयर कंडीशन में इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है। जबकि मैं आपको असलियत बात बता दूं कि एयर कंडीशन को अगर आप सही से चलाएंगे तो आपको जो है उतना बिल नहीं आता है। तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं कि देखो, अगर आप एयर कंडीशन अगर यूज़ करते हो तो उसमें जो है सर्विसिंग जो है एयर कंडीशन का जो है रेगुलर किया करो। और सर्विसिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो आदमी को बुला के लेके आपको सर्विसिंग कराना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सर्विसिंग करना एयर कंडीशन का बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है इस जैसा तो कुछ नहीं है, सिंपल से आप ऊपर के जो है ये जो है ढक्कन खोल के ऊपर से जाली निकालो, ठीक है, नहीं निकाल के उसमें जो है धूल मिट्टी जमी होती है उसको साफ करके वापस उसमें लगा दो, और पीछे आउटडोर यूनिट है उसमें जो जाली होती है पीछे में पानी से जाकर उसको धो दो, ठीक है ना। इसी को सर्विसिंग करते हैं, और सर्विसिंग वाले भी आएंगे तो वो यही करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और यही चीज़ आप अपने खुद से भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो सर्विसिंग जो है हर 2 महीने में एक बार आप खुद से ज़रूर किया करो। उससे क्या रहेगा, आपका एसी का में जो आपका कंप्रेसर है ये जो है ज़्यादा फ्री होगा और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। देखो, अगर हमारे एसी में अगर मेरा इसमें ज़्यादा डस्ट रहेगा, बाहर के आउटडोर यूनिट में अगर ज़्यादा डस्ट रहेगा तो क्या करेगा, इसको कूलिंग करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए आपको सबसे बेहतर क्या है, अगर जितनी इसकी साफ़ सफाई रखोगे, इसकी सर्विसिंग करोगे तो ये कूलिंग जल्दी करेगा, कूलिंग जल्दी करेगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो जितना जो है ज़्यादा कंप्रेसर कम चलेगा उतना आपका बिजली का बिल जो है आपका कम आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको समझना है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एसी भी चला दिया, एसी भी ऑन कर दिया, और ऑन करके मैंने जो है अपना फैन भी ऑन कर दिया, मैं सोचता हूँ कि नहीं फैन भी रहेगा तो रूम को ज़्यादा ठंडी करेगा, जबकि ये लोगों की बहुत गलत धारणा है। क्योंकि देखो, हर एक एसी में जो आपको जो है सेंसर पॉइंट रहता है, जो आप टेम्परेचर सेट करते हो, मान लो मैंने 25 का सेट किया तो ये सेंस करता है कि हाँ 25 डिग्री है तब इसको एसी को बंद होना है। लेकिन अगर फैन चलता रहेगा तो इसमें जो सेंसर यूनिट होता है, ठीक है, सेंसर वो सेंस नहीं कर पाता है कि हाँ अभी वाकई में 25 डिग्री ठंडी रूम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हवा की वजह से जो है वो मूव होते रहता है और फ्लक्चुएट होते रहता है टेम्परेचर। एक तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और संग संग आपका जो रूम का जो हीट है ऊपर छत में जो हीट होती है वो फैन जो क्या करता है वो लेके नीचे फेंकता है, जिस वजह से आपका जो रूम और भी गर्म होगा, ठीक है। यानी एक तरह से वो हो गया कि आपका रूम भी गर्म कर रहे हो और यहाँ से आप एसी भी चला रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका एसी तो ज़्यादा चलेगा ही चलेगा और आपका जो है बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो है हमेशा ये प्रेफर ये किया करो कि फ़ैन मत चलाओ, एसी चला दो। एसी देखना अपना लिमिट टाइम पे जो है ठंडा हो गया, ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाएगा और आपका रूम का टेम्परेचर भी बहुत देर तक जो है ठंडा बना रहेगा, जबकि फ़ैन चलाओगे तो वो कंटिन्यूसली आपका जो है एसी रन करता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, फ़ैन चला के, फ़ैन मत चलाना। तीसरी जो पॉइंट आती है वो है कि स्टार रेटिंग की, ठीक है। हम अक्सर जो है स्टार रेटिंग के हिसाब से जो है हम जो है अपना ज़रूरत के हिसाब से हम नहीं लेते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं 5 स्टार का लो अच्छी होती है, 3 स्टार का लो अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके यूजर्स जो है दिन के 10 से 11 घंटे हैं तो आपके लिए 3 स्टार की बहुत ही बेस्ट रहेगी। आप आपके पैसे कैसे बचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 5 स्टार अगर आप दिन में जो है पूरे दिन में अगर 18 से 19 घंटे चलाते हैं तो आपके लिए 5 स्टार रेटिंग की ज़्यादा रहे अच्छी रहेगी। अब कैसे पैसे बचेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैंने जो है ये जैसे 3 स्टार रेटिंग का जो है एसी है, ठीक है ना, मैं दिन में जो है इसको 8 से 10 घंटे इसको मैं चलाता हूँ। वहीं अगर मैं स्प्लिट एसी या कोई भी एसी अगर मैं 5 स्टार रेटिंग का लेता हूँ तो नियर अबाउट मेरा 8 से 10 हज़ार रुपये का जो है खर्चा मेरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और 3 स्टार रेटिंग वाले एसी के मुकाबले, मान लो एसी रूम में अगर एक जगह मैं 3 स्टार वाली एसी चलाऊं और एक जगह मैं 5 स्टार में चलाऊं और दोनों के बिल के मैं अगर कंपेयर करूं तो पूरे साल में जो है 1500 से 2000 रुपये का बिल का फ़र्क आता है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही। मान लो सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो जैसे ये मेरी एयर कंडीशन है, ये 3 स्टार की है, ठीक है ना, और बगल में मान लो और एक एयर कंडीशन है, वो सेम ये सेम रूम है, सेम यही है सिचुएशन है, लेकिन वो 5 स्टार की है, ये भी 10 घंटे चलता है, वो भी 10 घंटे चलता है, ठीक है ना। जबकि ये 3 स्टार रेटिंग वाला एसी है, वो 5 स्टार वाला रेटिंग वाला एसी है। तो पूरे साल भर में अगर आप बिजली का बिल का कैलकुलेट करोगे तो इसमें जो है
फाइव स्टार रेटिंग के मुकाबले इसमें जो है सिर्फ 1500 से 2000 रुपये बिल ज़्यादा आएगा, जबकि उसमें 1500 से 2000 रुपये बिल कम आएगा। अब एक बात सोचो, अगर आप 10 से 12 घंटे अगर दिन के एसी चलाते हो और साल के 2000 देने के वजह से आप जो है 10 हज़ार से 11 हज़ार आप फाइव स्टार रेटिंग में आप खर्च कर रहे हो, तो ये एक तरह से जो है समझदारी वाला काम नहीं होता है। हाँ, ये उसके लिए फायदेमंद है जैसे ऑफिस हो गया जहाँ से 16 घंटे 20 घंटे 21 घंटे नॉनस्टॉप एसी चलती रहती है, वहाँ के लिए फाइव स्टार रेटिंग वाली एसी बेहतर है क्योंकि वहाँ पे दिन रात ज़्यादा काम करती है, तो इस वजह से उनके लिए वो बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो और अगर नॉर्मल आपकी रिक्वायरमेंट 10 से 11 घंटे ही एसी चलाने की है, तो आपके लिए थ्री स्टार रेटिंग सही रहेगा। ठीक है, अब बात आते हैं रूम साइज़ की। अगर मेरा रूम जो है 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है और मैंने जो है 1 टन की एसी लगा ली है, तो वो ज़्यादा कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और दिन रात, और मतलब यानी वो जो है कंप्रेसर भी ज़्यादा रन करेगा और एसी भी ज़्यादा चलेगा, जिस वजह से जो है आपको रूम को ठंडा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जिस वजह से आपके बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। इसलिए हमेशा रूम के अकॉर्डिंग जो है कितने टन का एसी लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, अगर आपका रूम जो है 100 स्क्वायर फीट से अगर अगर कम है तो 110 का एसी लगाओ, परफेक्ट काम करेगा। और अगर 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो 1.5 टन का एसी लगाओ। ठीक है ना, 100 स्क्वायर फीट से आपका 150 स्क्वायर फीट के बीच में आपका रूम है, ठीक है ना, तो आपको 1.5 टन का एसी आपका बेहतर रहेगा। प्लस अगर आपकी ये बिल्डिंग है, घर है और उसके सामने में हमेशा जो है सूरज की रोशनी बनी रहती है, गर्म रहता है, हमेशा धूप रहता है, तो भी आपको जो है 1 टन का एसी थोड़ा कम काम करेगा। उसमें आपको जो है 1.5 टन का एसी लगाना है। अगर आपका टेरेस में है, अगर टॉप फ्लोर में आपका घर है, तो भी आपको जो है 1.5 टन वाला एसी जो है बेहतर काम करेगा एज़ कम्पेयर टू 1 टन वाला एसी से। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि बार बार एसी ऑन करने के बाद बार बार दरवाज़ा खिड़की बार बार खोलते हैं। खिड़की तो वैसे कोई नहीं खोलता है, मान लो जैसे आपका रूम है तो बार बार दरवाज़ा खोल रहे हैं, आ रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना, तो उस वजह से क्या होता है गर्म हवा अंदर में आता है, जिस वजह से एसी के जो है कट ऑफ वाले सेंसर को जो 5 मिनट में कट होना था, ठीक है ना, उस गर्म हवा आ जाने की वजह से फिर 10-15 मिनट और वो बढ़ जाता है। जिस वजह से अगर आप एसी वाले रूम के दरवाज़ा बार बार खोलोगे बंद करोगे, यानी बार बार आदमी आएगा जाएगा, तो वो जो है आपकी एसी ज़्यादा रन होगी जिसमें से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अवॉइड करो कि जिस रूम में आप एसी चलाते हो उस रूम का दरवाज़ा जो है कम से कम आप जो है खोल बंद किया करो। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि नॉर्मल इन्वर्टर वाली एसी में जो है बिजली हमारा कम आता है जबकि नॉर्मल में जो है बिजली बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है यूजेस, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 16 से 17 से 20 22 घंटा का अगर यूजेस है तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट है। अगर आपका 9 से 10 घंटा है तो आपके लिए नॉर्मल जो है ट्रेडिशनल हमारा जो है एसी है वही आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉर्मल एसी क्या रहता है, एक टेम्परेचर में आने के बाद कट हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर एसी बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली उसका कंप्रेसर चलते रहता है, उस टेम्परेचर में आके जो है सेट होके वो बस उतनी ही जो है एनर्जी लेता है कि जितनी आपके उस रूम के टेम्परेचर का मेंटेन करने के लिए होता है। यानी कि नॉर्मल एसी में कंप्रेसर चलता है फिर ठंडा होने के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर में वो 24 घंटा वो मोटर आपका चलता ही रहता है, ठीक है, भले वो एनर्जी कम लेता है लेकिन वो चलता ही रहता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा या अगर आपका एसी का यूजेस ऊपर ज़्यादा है तो आपके इन्वर्टर एसी बेस्ट है, और आप 9 से 10 घंटा काम करते हो तो आपके लिए नॉर्मल एसी है जिसमें आपका बिजली भी कम आएगा और इसके हिसाब से आप ठीक से चला पाओगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो चीज़ें थी, मेन मेन चीज़ पॉइंट्स थी, मैंने आपको बता दी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो हम बनाते रहते हैं।